नमस्कार साथियों, मैं भानुप्रिया बैरागी जीएलसी आईएएस से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। पहले हम कुछ इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आज हम पॉलिटी के 3 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, एक्सप्लेन। अब इसके आंसर को रीड करने से पहले हम हमारा एक छोटा सा डाउट क्लियर कर लेते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें टोटल 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। तो अब ये चेंज हो चुके हैं, अब जो पार्ट्स है वो 22 से 25 पार्ट्स हो चुके हैं और 8 शेड्यूल से 12 शेड्यूल हो गए हैं। और रही बात आर्टिकल की, तो आर्टिकल पहले भी 395 थे और अभी भी आर्टिकल 395 है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो जो अमेंडमेंट होने के बाद जो आर्टिकल्स ऐड होते हैं, या फिर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 395 आर्टिकल्स थे, उसके बाद जो आर्टिकल्स आए उन्हें हम सब आर्टिकल्स में गिनते हैं, आर्टिकल्स में नहीं गिनते हैं। तो हम आंसर लिखते वक्त लिख देंगे कि टोटल आर्टिकल तो 395 है, लेकिन अगर 395 में सब आर्टिकल्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो उसके बाद वो आर्टिकल 400 से अबव होते हैं। तो रीड करते हैं हमारा आंसर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टोटल 395 आर्टिकल्स इंक्लूडिंग सब आर्टिकल्स, इट बिकम अबव 400 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स एंड 124 अमेंडमेंट्स विथ अबाउट 146385 वर्ड्स इन इट्स इंग्लिश वर्जन। तो ये आंसर आप समझ ही गए हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लार्जेस्ट इसलिए है क्योंकि उसमें 395 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स है, 12 शेड्यूल्स है, 124 अमेंडमेंट्स हो गए हैं और इसलिए वो, और ये बात इंग्लिश वर्जन की हो रही है इसलिए वो हमारा एक लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लेरिफाई द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 के प्रोविजंस बताने हैं। तो सभी को पता है आर्टिकल 14 से 18 जो है वो इक्वलिटी से रिलेटेड है, लेकिन हमको यहाँ पर सब सिर्फ 14 के प्रोविजंस पूछे हैं, तो हम 14 के प्रोविजंस बताएंगे और हम उसको एक अलग पैटर्न में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आर्टिकल 14 में है रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इक्वलिटी बिफोर द लॉ है इसको हमने ब्रिटेन से एडॉप्ट किया है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है उसको हमने यूएसए से एडॉप्ट किया है। इतना 3 मार्कर के लिए काफ़ी है और आप चाहें तो इसे और भी अच्छा बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोविजंस ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट हुआ है उसके प्रोविजंस लिखने हैं। इसको फिर से मैंने एक अलग पैटर्न बना के लिखने की कोशिश करी है। मैं आपसे बार बार यही कहूँगी कि आप हर आंसर को अलग अलग पैटर्न में लिखने की कोशिश करें, उससे हमारा आंसर जो है वो अट्रैक्टिव दिखता है। तो देखते हैं इस आंसर को। प्रोविजंस ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट। फर्स्ट इसमें पंचायती राज गॉट कॉन्स्टिट्यूशनली टाइटल। तो जो पंचायती राज है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक बना दिया गया था 73rd अमेंडमेंट के द्वारा। ये इसका सबसे मेन प्रोविजन माना जाता है। पंचायती राज गॉट 28 सब्जेक्ट। पंचायती राज को 28 सब्जेक्ट दिए गए और अ न्यू पार्ट 9 वॉज एडेड। और इसको एक नया पार्ट, मतलब इस जो ये था पंचायती राज, इसको पार्ट 9 में एड किया गया। ये इसके कुछ प्रोविजन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्लेरिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। तो हमें यहाँ पर फाइनेंस कमीशन जो है इंडिया में उसका गठन के बारे में बताना है। तो सबसे पहले मैंने पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पर, इस्टेब्लिश बाय प्रेसिडेंट इन 1951। तो जो फाइनेंस कमीशन है इसकी स्थापना 1951 में प्रेसिडेंट के द्वारा की गई थी। मेंशनड इन आर्टिकल 280, इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 280 में है। वर्क या फंक्शन, डिफाइन फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। तो ये सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन है उनको बताता है। और फर्स्ट चेयरमैन जो थे फाइनेंस कमीशन के वो थे केसी नियोगी। इतना वो काफ़ी है हमारे 3 मार्कर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर एस्टिमेट कमिटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड एंड व्हाट इट्स एम। तो एस्टिमेट कमिटी जो है जिसको हम प्राकलन समिति भी कहते हैं शायद हिंदी में, तो एस्टिमेट कमिटी का जो गठन है वो कब हुआ और स्थापना कब हुई और इसका जो मेन एम है वो क्या है।
तो सीधा डिमांड एंड सप्लाई का रूल फॉलो करेंगे, उसने डिमांड जो करी है हम उतना ही बताएंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताएंगे। तो इस्टेब्लिश कब हुई, 1950 में ये इस्टेब्लिश हुई एस्टिमेट कमिटी, और इसका एम क्या है, तो स्क्रूटिनाइजिंग द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स है उनके पास जो फंड है उस गवर्नमेंट फंड का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है और उस फंड का एक्सपेंडिचर हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, इस तरीके जो फंक्शंस है वो एस्टिमेट कमिटी के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वॉज द मेन कॉज ऑफ रिमूवल ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। तो जो फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी था पहले, ये फंडामेंटल राइट था लेकिन अब इसको हटा दिया गया है फंडामेंटल राइट से, और इसको हटा के 300 आर्टिकल ए में एड कर दिया गया है। तो इसको हटाया क्यों, क्या मेन रीजन था, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इट वॉज रिमूव्ड बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट वॉन्टेड। तो ये रिमूव हुआ क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती थी, पहला टू ब्रिंग लैंड रिफॉर्म्स, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो लैंड रिफॉर्म्स करना चाहती थी, टू इनकरेज सोशल जस्टिस, वो सोशल जस्टिस को बढ़ावा देना चाहती थी। यहाँ सोशल जस्टिस से मतलब ये है कि जो जिन लोगों के पास आवश्यकता से अधिक भूमि है वो भूमि लेकर, जिन लोगों के पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है उनको प्रोवाइड करना, ये सोशल जस्टिस। और थर्ड पॉइंट है, इस्टेब्लिश इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इससे रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल हो जाएगा। तो ये तीन मेन का पॉइंट लिखेंगे हम इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, राइट टू डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिंपली उसने दो, इसमें हमें दो, सॉरी, इसमें हमें डिस्क्रिशनरी पावर्स लिखना है गवर्नर की। तो इसमें मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, उसके द्वारा मेरे आंसर लिखने की कोशिश करी। आप सोचिए अगर इसको हम डायरेक्ट पैराग्राफ में लिखते हैं तो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है, इसलिए उसे फ्लो चार्ट बना के और इस तरह के यूज़ करके हम हमारे आंसर को और बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं हमारा आंसर, इसमें पहले मैंने आर्टिकल मेंशन किया है, आर्टिकल 174, इसमें क्या दिया गया है, डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इधर साइड में मैंने लिखा है आर्टिकल 201, इसमें है बिल रिजर्व्ड बाय गवर्नर ऑफ कंसीडरेशन, गवर्नर फॉर कंसीडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो जो गवर्नर है वो बिल को रिजर्व करके रख सकता है प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए, या प्रेसिडेंट से कुछ भी पूछताछ के लिए वो बिल रिजर्व रख सकता है। तो ये आर्टिकल 174 और आर्टिकल 201, ये दोनों गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट वोट द 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज देयर, राइट एनी फोर सब्जेक्ट ऑफ शेड्यूल। तो जो 11th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ मौजूद है, तो उसका क्या मतलब है उसके बारे में बताना है, और राइट एनी फोर सब्जेक्ट ऑफ शेड्यूल्स, तो उस शेड्यूल के फोर सब्जेक्ट लिखने हैं। तो सबको पता है 11th शेड्यूल में क्या है, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मीन्स पंचायती राज है। तो आंसर लिखेंगे हम, 11th शेड्यूल रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कंसिस्ट पंचायती राज। तो जो 11th शेड्यूल है वो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जिसमें पंचायती राज आता है। एडेड बाय 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा एड किया गया है पार्ट 9 में, ये सॉरी 9A हो गया है, इसको आप 9A ना लिखे, 9 सिर्फ पार्ट 9 है यहाँ पर, ठीक है। और इसके जो फोर सब्जेक्ट लिखेंगे हम, तो इसका फर्स्ट सब्जेक्ट है रूरल हाउसिंग, सेकंड एनिमल हस्बेंड्री, थर्ड सेफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, और फॉर कल्चरल एक्टिविटीज़। ऐसे तो इसके समथिंग 28 सब्जेक्ट्स है पंचायती राज के, लेकिन हमको कोई से भी फोर लिखना है तो आप कोई से भी फोर जो आपको याद है वो लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट इज़ द 12th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट एंड हाउ मैनी सब्जेक्ट्स आर देयर। सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि 12th शेड्यूल में क्या है और उसमें उसके सब्जेक्ट, उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो 12th शेड्यूल मेंशन अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो जो 12th शेड्यूल है वो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को मेंशन करता है, जैसे कि म्युनिसिपैलिटीज़। और एडेड बाय 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड हुआ, और इसके टोटल सब्जेक्ट जो है वो 18 है। वॉट इज़ द प्रोविज़न इन आर्टिकल 323A, तो 323A में क्या प्रोविजन्स किए गए हैं वो लिखना है। इट प्रोवाइड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बाई पार्लियामेंट लॉ फॉर एडजुडिकेशन ट्रायल ऑफ डिस्प्यूट्स कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स अंडर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट।
तो 3 to A, 3 to 3A इस आर्टिकल्स में क्या प्रोविजन है, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाने का प्रोविजन है, ताकि वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो एडजुडिकेशन मीन्स न्याय और जो भी डिस्प्यूट्स है उनको सॉल्व कर सके, और कंप्लेंट्स है जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स से रिलेटेड उन कंप्लेंट्स को सॉल्व कर सके, इसका प्रोविजन 3 to 3A। आपको मेनली ये याद रखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मेथड। तो सिंपल, हमें यहाँ पर जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है किस मेथड से होता है, तो वो ये जो जिस मेथड से होता है वो किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है ये बताना है, और कौन सा मेथड, उस मेथड का नाम लिखना है। तो आर्टिकल 55 ऑफ पार्ट 5 मेंशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 55 है जो कि पार्ट 5 के अंदर आता है, इसमें बताया गया है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से और किस मेथड से होगा, और उस मेथड का नाम है वो ये है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड। दोनों हम बोल सकते हैं कि सिंपल एक लाइन में भी लिख सकते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेयर्ड एंड अनस्टेयर्ड क्वेश्चन। तो स्टेयर्ड और अनस्टेयर्ड क्वेश्चन में डिफरेंस लिखना है। तो पहला स्टेयर्ड क्वेश्चन, इट इज कैरी एन एस्टरिस्क मार्क। एस्टरिस्क मार्क का मतलब ये है कि वहां पर कुछ भी एक स्टार बना दिया जाएगा, कुछ भी ऐसा मार्क बना दिया जाता है जिससे ये इसकी विशेषता खासियत है कि स्टेयर्ड क्वेश्चन जो होते हैं उन पे कुछ भी एक एस्टरिस्क मार्क बना दिया जाता है। और अनस्टेयर्ड क्वेश्चन मीन्स इट डज नॉट कैरी एन एस्टरिस्क मार्क, इस पे कोई भी स्टार या फिर किसी भी तरह का मार्क नहीं बनाया जाता है। और आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गिवन ओरली, तो जो स्टेयर्ड क्वेश्चन है उनके आंसर जो है वो ओरली दिए जाते हैं मीन्स बोलकर दिए जाते हैं, और जो अनस्टेयर्ड क्वेश्चन है इनके आंसर जो है वो रिटर्न में दिए जाते हैं, ये मेन डिफरेंस है इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू बेसिक डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP। तो DPSP और फंडामेंटल राइट्स में टू डिफरेंस लिखने हैं यहाँ पर। तो देखो इसमें भी डिफरेंस लिखने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आप इस पैटर्न को फॉलो करें, इस आंसर को डिफरेंस जब पूछा जाए तो इस पैटर्न को फॉलो करके डिफरेंस लिखें, ताकि एग्जामिनर जो चेक करने वाला है उसको डायरेक्ट बिना पढ़े ही डिफरेंस पता चल जाए कि हाँ कहाँ कहाँ क्या शो हो रहा है। तो पहला डिफरेंस बेसिस जो है हमारा वो है जस्टिस, तो जस्टिस के बेस पर हम इनका डिफरेंस करेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल इन कोर्ट, मतलब हम फंडामेंटल राइट्स को लेके कोर्ट में जा सकते हैं, वो जस्टिशिएबल है। और DPSP नॉन जस्टिशिएबल, DPSP में जो प्रावधान किए गए अगर वो हमें नहीं मिलते हैं तो हम उन्हें लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते, इसलिए नॉन जस्टिशिएबल है। सेकंड बेसिस लिया है मैंने राइट्स, तो फंडामेंटल प्रोवाइड पॉलिटिकल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो कैसे पॉलिटिकल राइट्स, हम पॉलिटिकल राइट प्रोवाइड करते हैं। और DPSP प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स, तो DPSP में जो वो मेनली सोशल और इकोनॉमिकल राइट्स हमें प्रोवाइड करते हैं। और एक थर्ड बेसिस लिख दिया मैंने पार्ट, कि कुछ नहीं आए तो हम फिर ये यूज कर सकते, जब हमें आ रहा है तब तो हम लिखेंगे, जैसे कि जस्टिस के बेसिस पर, राइट्स के बेसिस पर, जब हमें आना बंद हो जाए तो फिर हम कैसे आंसर लिखेंगे, तो फिर हम यहाँ ऐड कर देंगे पार्ट, कि फंडामेंटल राइट्स मेंशनड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और जो DPSP है वो मेंशनड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट इज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी क्या है, तो आंसर है हमारा डिसाइड फुल एंड मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच टैक्स मैन्युपुलेशन ऑफ प्राइसेस और अफेक्ट लो ऑफ सप्लाइज अफेक्ट फ्लो ऑफ सप्लाइज इन मार्केट। मतलब डिसाइडफुल एंड मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि जो गुड्स और सर्विसेज है उनका डिसाइडफुल और मिसलीडिंग गलत तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है जिससे कि प्राइजेस में मैन्युपुलेशन, प्राइजेस में चेंजेस देखने को मैन्युपुलेशंस हो जाते हैं, और जो मार्केट में सप्लाईज है उसको भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है, तो उसे हम रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के लिए चलो इतना ही, अब मिलते हैं कल अगली वीडियो में नई क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।